महाराष्ट्र की दरियापुर मंडी अमरावती में 26 नवंबर को सोयाबीन का दाम इस सीजन में सबसे अधिक ऊंचाई पर था। केंद्र सरकार की ऑनलाइन मंडी के मुताबिक इस दिन यहां अधिकतम दाम 8,650 रुपए तक पहुंच गया था, जबकि इस मार्केट में 1,272 क्विंटल सोयाबीन की आवक हुई थी। सोयाबीन को पुराने रंग में लौटते देख किसान काफी खुश हुए थे, लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन की नजर लग गई है। सोयाबीन की कीमतें बढ़ रही थी, हालांकि आवक सीमित थी, लेकिन सोमवार से सोयाबीन की कीमतों की तस्वीर ही बदल सी गई। सोमवार और मंगलवार के दो दिनों में दरों में 300 से लेकर 1100 रुपए तक की गिरावट देखी गई। इसका कारण सोयाबीन की गिरती मांग और कोरोना की वजह से एक्सपोर्ट में दिक्कत को बताया जा रहा है। कारण जो भी हो, यह अब किसानों के लिए काफी चिंता का विषय बन गया है। इस साल अगस्त की शुरुआत में सोयाबीन का दाम 10,000 रुपए प्रति क्विंटल तक था, लेकिन 16 अगस्त को 12 लाख टन सोया मील इंपोर्ट के ऐलान के बाद इसका दाम जमीन पर आ गया। इंपोर्ट के असर और नई फसल आते आते इसका दाम 3,000 रुपए प्रति क्विंटल तक निचले स्तर तक देखा गया। इसलिए किसान भाई बहनों ने अच्छे रेट की उम्मीद में इसकी स्टोरेज शुरू कर दी। अब दाम में तेजी आ रही थी, इसलिए आवक में वृद्धि हो रही थी, लेकिन अब कई देशों तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहुंचने की वजह से एक्सपोर्ट में आ रही दिक्कत ने बाजार पर असर डाल दिया है। इसलिए कृषि और बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हालात को देखकर ही इसकी बिक्री करें। दाम अभी इससे भी ज्यादा ऊंचाई पर जाएगा, क्योंकि सोयाबीन प्रमुख तिलहनी फसल है और भारत में तिलहन उत्पादन जरूरत से बहुत कम होता है। देश में लगभग 12.81 मिलियन हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती होती है। देश में 1 करोड़ से ज्यादा किसान इसकी खेती करते हैं। देश में इसका सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। हालांकि प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन लेने में महाराष्ट्र सबसे आगे है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार प्रोटीन एवं तेल की भरपूर मात्रा की वजह से सोयाबीन दुनिया भर खाद्य तेल एवं पौष्टिक आहारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। कृषि मंत्रालय द्वारा लगाए गए 2021-22 की प्रतिम अग्रिम अनुमान के अनुसार सोयाबीन का उत्पादन लगभग 127.20 लाख टन रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।